हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नसीर व्लॉग यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ आज है बजाज पल्सर RS 200। यह मेरी बहुत ही पुरानी बाइक है, यह लॉन्चिंग ईयर 2015 का ही है और मैं इस पर आज काफ़ी दिनों के बाद एक फुल बॉडी ग्राफिक्स इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है बजाज पल्सर RS 200 का ABS वर्ज़न और इसमें हम आज फुल बॉडी ग्राफिक्स इंस्टॉल करने वाले हैं। तो ये है वो ग्राफिक्स जिसे मैंने मंगवाया है CR डिकल्स एंड डिजाइन से। यह ग्राफिक्स जो है मुझे अप्रॉक्सीमेट 3000 के आसपास का पड़ा। ये स्टिकर इतने सारे पार्ट में डिवाइड किया हुआ है कि इसे बाहर निकालने के बाद हम टोटली कंफ्यूज्ड हो गए हैं कि कौन सा पार्ट जो है वो कहाँ जाने वाला है। तो ये रही इस कंपनी के CR डिकल्स डिज़ाइन की बैजिंग और हम एक एक करके देखते हैं कि कौन सा स्टिकर कहाँ चिपकेगा। तो सबसे पहले हम इस छोटे से स्टिकर से स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हमें यहाँ इंस्टॉल करना है इस तरह से। क्योंकि मैंने इससे पहले NS 160 में 2 times सेम स्टिकर इंस्टॉल करा है तो थोड़ा सा तो एक्सपीरियंस है मेरे पास। ये आप देखें, यह 2 parts में है, एक यहाँ से ऐसे लगेगा और एक स्टिकर जो है यह यहाँ से लगेगा, राइट। दो घंटे से ज़्यादा लगे हमें ये स्टिकर चिपकाने में और अभी भी ये इतना सारा स्टिकर अभी बचा हुआ है फ्रंट का और उसके बाद कुछ मड गार्ड का और उसके बाद यहाँ पर भी कुछ स्टिकर अभी लगने को बाकी हैं। अभी भी आप देखें तो यहाँ इतने सारे स्टिकर पड़े हुए हैं जो अभी बाइक में इंस्टॉल होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी पल्सर RS 200 की फुल बॉडी ग्राफिक्स का वीडियो। इस ग्राफिक्स को मैंने परचेज किया था CR डिकल्स एंड डिजाइन के वेबसाइट से, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक बात बता दें कि CR डिकल्स जो है वो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है अगर ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करें तो, जिसका कि ग्राफिक्स आपको MotoGP तक में यूज कर लिया गया है। और अगर हम बता दें, इस पर आपको कई तरह के कंपनी के आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे और अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग कलर में स्टिकर अवेलेबल है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके क्वालिटी की, तो क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी में किसी भी तरह का कोई कंप्लेन नहीं है। बट इसका डिज़ाइन जो है वो आपको बताएं तो ब्लैक कलर के RS 200 के लिए डिज़ाइन किया गया था इस स्टिकर को। बट इसके पास कोई ऐसा सैंपल नहीं था। अगर आप CR डिकल से देख रहे हैं इस वीडियो को तो,
और भी ज़्यादा से ज़्यादा कलर में अवेलेबल कराए इस स्टिकर को, ताकि लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर कर सके और अपनी बाइक को और अच्छे से मॉडिफाई कर सके। तो यह बाइक का स्टिकर जो है वो ब्लैक कलर में और ज़्यादा अच्छा लगता है, बट मैंने इसमें रिस्क लेकर इंस्टॉल किया, बट मुझे इसमें भी काफ़ी पसंद आया। आप बाकी कमेंट करके बताएं कि आपको यह स्टिकर का डिज़ाइन जो है वो कैसा लगा, और साथ ही साथ यह वीडियो आपको अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही किसी और एक्साइटिंग वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया।